भाई मुमताज, दो ट्रालियों का माल तो मैंने स्टोर में रखवा दिया है, अभी एक ट्राली बाकी है, उसका क्या कर रहे हो? वो बशीर के हवाले करनी थी, पर अब सुबह ही कुछ होगा उसका। वो तो वैसे मैंने उसे कह दिया ख्याल रखने का। तो बस ठीक है, तुम्हारी मोटरसाइकिल किधर है? इधर ही है, क्यों चलना है कहीं? हाँ चलना है, तू जाके उसमें पेट्रोल डलवा के ला। भाभी, भाई क्या बात है, क्यों शोर मचाया हुआ है? भाई कुछ बोल कर गए थे। मुझे तो कुछ नहीं बोल के गए, क्यों, कोई बात थी? हाँ जी, ये काम कहा था उन्हें, कहीं जाना था। तो चले जाओ, रोका किसने है? नहीं भाभी, असल में मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, तो भाई मुमताज क्या कर गए थे, तुम्हारी भाभी को दे जाऊंगा। वो भूल गए होंगे, मुझे तो नहीं देखे गए। अच्छा चलो ठीक है, जब आएंगे फिर चला जाऊंगा। वैसे मुमताज भाई ने मुझे कल बताया था कि उन्हें आज कहीं जाना था, उन्हें देर हो जाएगी और शायद वो ना भी आए। चलो खैर है, कल चला जाऊंगा। नाश्ते में कुछ है तो दे दो, जब वो भी नहीं है। हाँ हाँ वो मिल जाएगा, तुम बैठो मैं भी लेकर आती हूँ। भाई दे दो पैसे, ना तंग करो मेरे देवर को। ओफो भाभी, थोड़ा सा तो और तंग करने देती, इसे पैसे मिले नहीं कि ये घर से निकला नहीं। मेरा शोहर है, मुझे ज्यादा पता है इसका। क्यों लतीफ? हाँ। अच्छा बैठो, मैं नाश्ता लेके आऊँ। मैं हूँ मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। पंजाब का शहर गुजरांवाला एक जानिब फने पहलवानी की वजह से जाना जाता है, तो दूसरी जानिब इसी शहर में मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज भी इसकी पहचान की एक वजह है। लोगों के पास पैसा काफी फरावानी में मौजूद है, इसीलिए उनमें खाने पीने का खासा रुझान पाया जाता है। इन तमाम बातों के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के लड़ाई झगड़े भी इस शहर का मामूल है। कुछ ऐसा ही वाकया कुछ दिनों पहले इस शहर में पेश आया, जब इस घर के एक शख्स को अगवा कर लिया गया। सच्ची बताओ, मजाक तुमने किया था या भाभी ने कहा था? भाभी ने पहले कोई मजाक किया है? नहीं ना, तो मैंने किया होगा ना। मुझे पहले ही पता था, भाई को मैं जानता हूँ, वो मेरी बात कभी नहीं भूल सकते, आखिर छोटा भाई है उनका। सुबह सुबह भाई नूर मोहम्मद का फोन, अल्लाह खैर करे। हेलो
हेलो भाई, मुमताज को अक्षर लुकमान अगवा करके ले गए। क्या, किस लिए? ये नहीं पता। हाँ, उनके साथ दो आदमी और भी थे। मैं थाने जा रहा हूँ, तुम वहीं पहुंचो। अख्तर और लुकमान ने भाई मुमताज को अगवा कर लिया है। मैं थाने जा रहा हूँ। भाभी, जुर्म हो गया है भाभी। क्या हुआ है? नूर भाई का फोन आया था, अख्तर और लुकमान ने मुमताज भाई को अगवा कर लिया है। क्या भाभी, खुद को संभाले भाभी। इलाके में ये बात जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। मुमताज के घर में एक कोहराम बपा था। दोनों अगवाकारों की शिनाख्त भी हो चुकी थी। इसीलिए मुमताज को मोटरसाइकिल पर साथ लाने वाला उसका कजन और छोटा भाई लतीफ दोनों थाने पहुंचे, ताकि शिनाख्त किए गए अगवाकारों के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाने के बाद अपने भाई को बाजियाब करवाया जा सके। सर, इनका भाई है मुमताज, मंडी में आड़त का काम करता है। किसने अगवा किया है? साहब, मैं और मेरी खाला का बेटा मुमताज अब मंडी से निकलकर घर की तरफ जा रहे थे। अभी आधे रास्ते में ही पहुंचे हैं कि तफसील बाद में पूछूं। फिलहाल सिर्फ ये बताओ कि अगवा करने वाले कौन थे? आपके कोई जानने वाले हैं या कोई बाहर के लोग? जान पहचान वाले हैं, साले हैं मेरे सर, अख्तर और लुकमान। इसका मतलब है कोई खानदानी रंजिश है। जी सर, ऐसा ही मामला है। उनकी बहन तुम्हारे घर में है, फिर उन लोगों ने तुम्हारे बड़े भाई को क्यों अगवा किया? जो भी बात है खुल के बताओ। लतीफ की असल में मोहब्बत की शादी है साहब जी, ये आज से 3 साल पहले की बात है कि बात सुने। लतीफ के बारे में बात करनी है आपसे। हाँ तो करो, क्या कहता है? कहता है शादी करनी है। भाई कहता तो वो ठीक है, आखिर जवान है, कर देते हैं उसकी शादी, लेकिन उसके लिए कोई लड़की तो ढूंढो। यही तो बात करनी है। लड़की उसने देख ली है, बल्कि पसंद भी कर ली है। अच्छा जी, वो कौन है? वो नहीं है, अख्तर कबाड़िया का काम करता है, उसकी छोटी बहन है नरगिस। तो ठीक है, उसके भाई से बात कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाई से बड़ी उसकी माँ बैठी है, उनसे बात करने की क्या जरूरत है? चलो उनकी माँ से बात कर लो भाई, ये औरतों का मामला अब तुम ही निबेड़ोगी। से कल से पीछे पड़ा हुआ है भाभी, मुमताज भाई से बात करें ना, मुमताज भाई से बात करें। बात कर ली ना, अब भाई जो उसकी खुशी है मैं भी उसमें राजी हूँ, अब तुम जानो और वो जाने। तो ठीक है, इजाजत मिल गई है ना, अब मैं सुबह ही जाऊंगी नरगिस के घर उसकी माँ से उसका रिश्ता लेने। लतीफ की भाभी अपने देवर की ख्वाहिश पर नरगिस का रिश्ता लेकर उसकी माँ के घर पहुंची। जब उसने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार उसके सामने किया तो गुलनाज को नरगिस की माँ ने बताया कि वो अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता अपने बहन के बेटे के साथ तय कर चुकी है, इसलिए इस रिश्ते का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बस इतना सुनना था, गुलनाज मायूस होकर अपने घर वापस लौटी, जहां लतीफ पहले से ही आस लगाए उसका मुंतजिर था। निकली कैसे साहब जी, ये तो पता नहीं, पर भाई मुमताज ने इन दोनों को अपने एक दोस्त के पास बहावल नगर भेज दिया था। सुन लिया ना, तो चुप करके बैठ जा। पता तो चले, कब बात पक्की होगी मेरी खाला के बेटे से? उदास लग रही है, बोलती क्यों नहीं भाभी, कहीं इनकार तो नहीं हो गया? क्यों भाई नूर मोहम्मद, अब तो नरगिस भी अपने घर वालों से 2-3 मरतबा बात कर चुकी है। देख गुलनाज, किसी के दिल का कोई पता नहीं।
क्या हुआ भाभी? उदास लग रही हैं। बोलती क्यों नहीं भाभी? कहीं इनकार तो नहीं हो गया? उसकी माँ कहती है कि वो खाला की तरफ मांगी हुई है। क्या? खाला की तरफ मांगी हुई है? वो तो यही कहती है ना। लेकिन नरगिस ने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। जो उसकी माँ ने कहा वो मैंने बता दिया, आगे तुम खुद देख लो। नरगिस से बात हुई आपकी या वो सामने नहीं आई? वो तो कमरे में थी, पर वो बेचारी क्या बात करे अपनी माँ से। झूठ क्यों बोला है तूने? ये बोल कैसे रही है मेरे साथ, और किस बात का झूठ? वही जो तूने लतीफ की भाभी से बोला है। अच्छा, तो तू मेरी बातों पे कान लगा के बैठी होती है। बहरी नहीं हूँ मैं, अल्लाह ने कान सुनने के लिए ही दिए है ना। सुन लिया ना तो चुप करके बैठ जा। पता तो चले कब बात पकी होगी मेरी खाला के बेटे से। हुई है या नहीं हुई, जब जवाब देना हो तो ऐसे ही देते हैं। घर आए रिश्ते को कैसे इनकार कर दिया तूने? अच्छा, बड़ी तकलीफ हुई है मेरे जवाब देने पर तुझे। क्यों ना हो, शरीफ लोग हैं, और फिर कब तक बिठा के रखे कि मुझे तू यूं घर में। चल बकबक ना कर मेरे सामने, अभी तेरे भाइयों को बुला के ना तेरी ऐसी पिटाई करवाऊंगी ना, याद रखेगी तू। यही करेगी ना तू, और कर भी क्या सकती है तू। जानती है यहां से, या थप्पड़ मार दूं तुझे। मेरे भाई के लिए कोई लड़कियों की कमी है? ये बात नहीं है भाई, बात तो दिल की होती है, जो बंदे को अच्छा लगे। तो मुझे ये बता, तेरी उसके साथ तो गिटमिट है, और अगर है तो बता, उसका भी बंदोबस्त कर लेते हैं। होने को तो सब कुछ हो सकता है भाई, ऐवी दुश्मनी पड़ जाएगी। नरगिस का मिजाज अपने घर वालों के मिजाज से मेल नहीं खाता था। एक तरह से उसे अंदाजा हो चुका था कि वो हमेशा घर में बैठी अपनी माँ और भाइयों की मलामत ही सुनती रहेगी। भाई ना अपनी शादी के लिए रजामंद होगा और ना ही अपनी बहन के हाथ पीले करने के लिए राजी होगा। बस यही सब कुछ अपने जहन में रखते हुए उसने फैसला कर लिया था कि वो अपना घर छोड़कर लतीफ के साथ चली जाएगी। फोन सुन लो। भाई अपना फोन सुन लो, किधर हो, कब से बज रहे हैं? हेलो। हेलो, क्या बात है, परेशान हो गए हो क्या? नहीं। अच्छा, भाभी घर में है तो बात करो जरा उनसे। हाँ हाँ हाँ, घर पे है, बात करवाओ उनसे जरा। मैं देता हूँ। भाभी नरगिस। हेलो भाभी, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि परसों मैं आ जाऊंगी घर से, आप लतीफ से मेरा निकाह पढ़वा दीजिएगा। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज, बाय। क्या कह रही थी भाभी? वो कह रही है कि मैं लतीफ के लिए अपना घर बार छोड़ने को तैयार हूँ, अब तुम बताओ। भाभी अगर वो तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। तो इसका मतलब है कि वो घर वालों को बताए बगैर तुम्हारे साथ निकाह करने के लिए तैयार थी। जी सर, फिर एक दिन वो अपना घर छोड़कर मेरे घर आ गई मेरे साथ निकाह पढ़वाने। इस सारे चक्कर का उसके घर वालों को कोई पता नहीं चला, कैसे निकल आई वो अपने घर से? निकली कैसे साहब जी, ये तो पता नहीं, पर भाई मुमताज ने इन दोनों को अपने एक दोस्त के पास बहावर नगर भेज दिया था, फिर हम दोनों ने वहां जाकर अदालत में निकाह कर लिया था।
एक दो पता लग जाए फिर देखो क्या करते उसके साथ। इतनी सियानी निकली है, जरा भी खटकानियां नहीं दिया उसने। ओए पहले बंदा तो देखो इलाके में कौन सा गायब है, समझो उसी के साथ गई हो। लुकमान ठीक कह रहा है, पता तो चले गई किसके साथ है, फिर निपड़ लेंगे। तू अपने तौर पर देख, मैं अपने तौर पर भला करता हूँ, पता तो लग ही जाएगा आखिर गई किधर है। नरगिस के घर वालों ने उसी रोज से उसकी तलाश शुरू कर दी। इस तरह कुछ ही अरसे में उन्हें पता चल गया कि उनकी बहन लतीफ के साथ गई है। जब उन्होंने लतीफ के बड़े भाई से इस सिलसिले में राब्ता किया तो उसने इस वाकये से मुकम्मल लाइल्मी का इजहार भी किया और अपने भाई लतीफ से ताल्लुक खत्म करने का भी कह दिया, हालांकि ऐसा हुआ नहीं था। हमारी शादी को 1.5 साल हो गया, दिन कैसे गुजरते हैं पता नहीं चलता। एक बात पूछूं? हाँ बोल। हम वापस घर जाएंगे कि नहीं? क्यों उदास हो गई हो, घर वालों को याद आ रही है? हाँ, अम्मा से गले मिलकर रोने का बहुत दिल कर रहा है, पता नहीं कैसी होगी वो। भाभी ने बताया तो था बिल्कुल ठीक ठाक है सारे के सारे। वो तो ठीक है पर थोड़ा सा इंतजार और कर लो, मैं तुम्हें ले चलूंगा अभी लाने के लिए, बस ये मामला थोड़ा सा ठंडा हो जाए। लतीफ तू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है तू। मैं भाई से बात कर लूं, वो क्या कहते हैं, वो जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं चाय बना के लाती फिर तुमने अपने भाई से बात की तो क्या बोला उसने? उन्होंने कहा था 2-4 दिन इंतजार कर लो, मैं हालात देखकर बताऊंगा क्या करना है। मैंने उसे मना किया था कि अभी ना बुलाओ उन दोनों को, अभी लड़की के भाइयों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। लड़की भागी तुम्हारे साथ, नकाह किया उसने तुम्हारे साथ, फिर उन लोगों ने तुम्हारे बड़े भाई को क्यों उठाया है? सर यही तो पता नहीं है, मुल्जिम पकड़े जाएंगे तो वही बताएंगे सर। फिर तुम्हारी वापसी कैसे हुई? अब से 1 महीना पहले मुमताज ने कहा कि अब मामला ठंडा हो गया है, अब लतीफ को बुला लेते हैं। नहीं, नहीं, मेरा ख्याल है कि नरगिस और लतीफ को वापस बुला लेते हैं। बात तो आपकी ठीक है, 3 साल होने को आ गए उन दोनों को। वैसे तो तुम्हारी अपनी मर्जी है, पर मैं कहता हूँ कि अभी ना ही बुलाओ। क्यों भाई नूर मोहम्मद, अब तो नरगिस भी अपने घर वालों से 2-3 मरतबा बात कर चुकी है। देख गुलनास, किसी के दिल का कोई पता नहीं। और कुछ नहीं होता भाई नूर मोहम्मद, हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। आगे तुम्हारी मर्जी है, मेरा तजुर्बा जो कहता है वो मैंने बता दिया। ऐसे तो सारी जिंदगी गुजर जाएगी, दोनों ने शादी की है, कोई जुर्म तो नहीं किया। मैं कहता हूँ लतीफ से वापस आ जा 2-4 दिन में, मैं संभाल लूंगा। तो बस ठीक है, अब वो हमारे साथ दोनों इधर ही रहेंगे, बस मैंने कह दिया। घर से निकलकर शादी करने के 3 साल बाद बड़े भाई की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद दोनों मियां बीवी अपने भाई के घर आ गए। यहां ये बात बहुत अरसे तक छुपी नहीं रही और पता चलने पर एक रोज नरगिस की मां दोनों भाइयों के साथ उसके घर आ गई, जहां उनकी मुमताज के साथ बहुत तू तू मैं हुई। हमारे से पूछ, हम दिन रात मरते और जीते हैं। जो होना था हो गया माँ जी, हम आप सबसे माफी मांग लेते हैं। इन दोनों से मैं बात कर रहा हूँ अपने भाई के बारे में। देखो इस तरह केस खराब हो जाएगा, उसे अगर मिलना भी होगा तो नहीं मिलेगा। अब तुम अपने मियाँ की इजाजत के बगैर बिल्कुल भी नहीं जाओगे। कैसी बातें कर रही हैं भाभी, मुमताज भाई की जान को खतरा है इस तरह से तो। ऐसी कौन सी नामालूम जगह है, तुम रुको मैं जाता हूँ थाने। हौसला कर मेरे भाई, हौसला कर, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती।
शाम तक दोनों इकट्ठे चलेंगे। काला करवा दिया हमारा इस लड़की ने, कहीं का नहीं छोड़ा हमें। मेरी भी बद्दुआ है, तू कभी खुश नहीं रहेगी इस घर में। खाला सईदा, ऐसी बद्दुआएं क्यों दे रही है? 3 साल से ये दोनों बहुत खुश हैं। तू चुप कर गुलनास, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ना क्या बुरा होगा, मुंह संभाल कर बात कर लुकमान। हमें माफ कर दे लुकमान भाई, मैं बहुत खुश हूँ लतीफ के साथ। तू तो खुश है ना, हमारे से पूछ, हम दिन रात मरते और जीते हैं। जो होना था हो गया माजी, हम आप सबसे माफी मांग लेते हैं। तेरे तो भाई ने कहा था मुझे कुछ नहीं पता, हालांकि उसे सब कुछ पता था। झूठा है ये। चल हो झूठा, लतीफ भाई है मेरा, तेरा क्या ख्याल है, छोड़ दो इसे। बस फिर इसी रंजिश की वजह से उन्होंने तुम्हारे भाई को अगवा किया है। सर जी मेरा तो ख्याल है कि लड़की के दोनों भाइयों को उठा के ले आते हैं। इतने नेक नहीं है वो, तुम्हारा क्या ख्याल है, वो घर पे बैठे होंगे। सर ये बात भी ठीक है। जी सर, माना कि नरगिस और मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरे भाई का क्या कसूर है सर इसमें? उसका कसूर ये है कि उसने तुम दोनों को सपोर्ट किया, मुझे तो यही समझ आती है। आगे देखते हैं। इंस्पेक्टर साहब, बस किसी तरह भाई मुमताज को वापस करा दे। पुलिस ने तमाम हालात जानने के बाद 2 मालूम और 2 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दिन दहाड़े मुमताज को इख्फा करने का पर्चा लतीफ की मुदय्यत में दर्ज करने के बाद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। मुलजिमान अपने घर को ताला लगाकर कहीं गायब हो गए, लेकिन 1 हफ्ते की मेहनत के बाद पुलिस ने उन मुलजिमान को उनके अजीजों के घर से गिरफ्तार कर लिया। नरगिस के दोनों भाई पकड़े गए। ये बताओ मुमताज भाई का पता चला कि नहीं? वालदार मिला था,
कह रहा था कि अभी कुछ पता नहीं चला। मुल्जिम पकड़े गए हैं यार, पता क्यों नहीं चला उन्हें? कि जो बाकी दो साथी थे वो मुमताज भाई को किसी नामालूम जगह पर ले गए थे। ऐसी कौन सी नामालूम जगह? तुम रुको, मैं जाता हूँ थाने। हौसला कर मेरे भाई, हौसला कर, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। शाम तक दोनों इकट्ठे चलेंगे। पुलिस बाकी दो मुलजमान पर हाथ डालने से सिर्फ इसलिए गुरेज कर रही थी कि वो पा असर थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनकी शनाख्त होने के बावजूद पुलिस उन्हें नामालूम जाहिर कर रही थी। दूसरी जानिब पुलिस ने जिन दो मुलजमान को हिरासत में लिया था वो लतीफ के साले थे, जो इगवा के इस केस में नामजद हो गए थे, जिसके बाद इस घर में सिर्फ उनकी मां बाकी बची थी। दूसरी जानिब मुमताज के घर में भी वीरानी छाई हुई थी। भाभी। हाँ? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मुझे माफ कर दें भाभी, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना। पता नहीं उन्होंने कहाँ रखा है मेरे मियाँ को, एक महीने से ज्यादा हो गया। अम्मा घर वापस आ गई हैं भाभी, बोले तो मैं उनसे बात करूँ, उन्हें जरूर कुछ पता होगा। नहीं नहीं, तुम अपने मियाँ की इजाजत के बगैर बिल्कुल मत जाना। पहले कौन सा अपने मियाँ की इजाजत से आई थी यहाँ पर? पहले तुम अपनी मर्जी से आई थी, अब तुम अपने मियाँ की इजाजत के बगैर बिल्कुल भी नहीं जाओगे। कैसी बातें कर रही हैं भाभी, मुमताज भाई की जान को खतरा है इस तरह से? तो जिस तरह मैं बहादुर हूँ ना, उसी तरह मेरा मियाँ भी बहादुर है, और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। अगर आप इजाजत दें तो इन दोनों से मैं बात कर लूं अपने भाई के बारे में। देखो इस तरह केस खराब हो जाएगा, उसे अगर मिलना भी होगा तो नहीं मिलेगा। पूरा महीना हो गया इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर तो खाना तक नहीं पकता। पता चला था जी कि बाकी दो मुलजमों की भी शिनाख्त हो गई है। तुम्हें किसने कहा है? देखिए पुलिस तफ्तीश कर रही है, एक दो दिन में पता लग जाएगा। आप घर जाए शाबाश। देखिए सर, मैं हाथ बांधता हूँ, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ सर। अगर प्यार करते होते तो खामखा किसी की बहन को घर से भगा कर ना लेके जाते, और ना ये सारा कुछ होता। मेरा दिल करता है मैं सारी बात पुलिस को बता दूं। क्यों, तेरा दिमाग खराब है क्या? कोई तेरा क्या मतलब है, वो सारी बातें हमारी पुलिस से छुपी रहेंगी। वो अब वो हमारी बहन को तंग नहीं करेगा? तंग करके तो दिखाए, बाहर निकल के सबसे पहले उसकी जान लूंगा। वो देख छोटे, कोई एक अपने सर ले ले, दूसरा बच जाएगा। तेरा क्या मतलब, मैं अपने सर ले लूं, तू बाहर निकल जाए। ओ भाई परेशान ना हो, और तू मुझे जेल भिजवा के बाहर चला जाए, और कोई तो माँ का सहारा बने। गलती हो गई हमसे, हम दोनों में से एक को घर आना चाहिए था, एक जाता उनके साथ। वो अब जो होना था हो गया, वो आगे की सोच क्या करना है? यार मेरा तो मोबाइल भी पुलिस के पास है, और मजीद ने कहा था कि जुमेरात को फोन करूंगा, आज जुमेरात है। बस फिर बेटा हमारा काम हो गया, वो दोनों आज तो कहीं निकल जाएंगे और हम फंस गए। हवालात में वो दोनों जो बात कर रहे थे वही हुआ। पुलिस को अख्तर के मोबाइल पर बकिया दो मुलजमान में से एक की फोन कॉल मौसूल हुई, जो उन्होंने दुबई पहुंचकर की थी। उनके इल्म में नहीं था कि गुज़िश्ता रात दोनों मुलजमान पुलिस के हाथ लग चुके हैं। लेकिन यहां सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने आखिर अख्तर के मोबाइल पर कॉल करके उसे बताना क्या था।
मजीद बोल रहा हूँ। मैं और अहमद दुबई पहुँच गए हैं। और हाँ, तेरी बहन के जेठ को हमने मारकर उसकी लाश को दबा दिया है। हमारे जाने के बाद उसे कुछ संभालने वाला नहीं था, तवान कौन लेता? अब वो कभी नहीं मिलेगा। सोचा कि तुझे बता दूँ। खुदा हाफिज़। तो ये लोग बहुत बुरा किया तुम्हारे भाइयों ने हमारे साथ, मुमताज भाई को अगवा करके। क्या हुआ? जुल्म हो गया। क्या हुआ? पुलिस वालों ने बताया है कि नरगिस के भाई के नंबर पर कॉल आई तो पता चला कि उन दो मुल्ज़िमों ने मुमताज को मार कर लाश दबा दी। भाइयों को फांसी के बंदे तक मैं खुद लेके जाऊंगी। आप परेशान हो मामी। जालमा ने अपनी बहन का बदला लेने के लिए मेरी बहन का घर उजाड़ दिया। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे खावन की लाश दिखा दो, मेरी बच्ची के बाप की लाश दिखा दो मुझे। दो मुल्जिमान पुलिस की हिरासत में हैं, जबकि दो मुल्क से फरार हो चुके हैं। बहन ने वादा किया है कि वो भाइयों को इस जुर्म में फांसी की सजा दिलवा कर रहेगी, मगर कैसे, क्योंकि ना ही इस केस का कोई गवाह है, ना आलाए कत्ल है, ना उस जगह का तायुन हो सका जहां पर मुमताज को मारकर दफनाया गया था, और ना ही लाश मिली। फिर इन्हें सजा कैसे मिलेगी? जो दो मुलजमान जेरे हिरासत हैं उन्हें अदालत में पेश किया गया, अदालत फैसला देगी, मगर गवाहों और सबूतों को सामने रखकर ही। एक फैसला आपने करना है। सोचिएगा, आखिर इस केस में असल गुनहगार कौन है? अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें, बोलिए, हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा आईडी है facebook.com/gunahgar-kaun। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।